हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो अभी हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है, उसका मैंने ए सेट जो है उसको सॉल्व किया है, और जिनके अदर सेट होंगे वो इसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास किया गया है आपके सहायता के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है द टर्म फोटोपीरियड वाज क्वाइंड बाय, इसका आंसर हो जाएगा डी गार्नर एंड एलार्ड। इन्होंने जो है 1920 में जो है टर्म फोटोपीरियडिज्म दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कैंट इज अ नेम ऑफ विच क्रॉप वैरायटी। कैंट जो है वो ओट की वैरायटी है, ओट की वैरायटी है कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। तो सोडिक सॉइल के लिए जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री इज अ वराइटी ऑफ विच क्रॉप। हिमाद्री इज अ वराइटी ऑफ बार्ले। ओके, तो हिमाद्री जो है वो बार्ले की क्रॉप वराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर राइस। पहला है इसमें विच इज अ राइस इज अ हाई कैलोरिक फूड। दूसरा इट कंटेन मोर प्रोटीन देन व्हीट। तीसरा है द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस प्रोटीन इज हाई। नेक्स्ट अगला है इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आते हैं इन पे, इस पे फिर ऑप्शन दिए हैं नीचे। पहला राइस इज अ हाई कैलोरी फूड क्रॉप। हाँ सही है, ट्रू है। इट कंटेन मोर प्रोटीन देन व्हीट। नहीं, व्हीट में जो है 14% होता है, 14 से 17 भी हो सकता है, जबकि राइस में जो है वो 10% ही प्रोटीन होता है। अगला है द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस प्रोटीन इज हाई। हाँ नेक्स्ट है इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मोर देन 60% पॉपुलेशन। यस, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, आगे चलते हैं। बिग साइज्ड ग्रेन्यूल ऑफ यूरिया वेट अबाउट 1 ग्राम इज कॉल्ड यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्कवी UPB 110 वर्तान आर द वराइटी ऑफ। अगर ये भी याद नहीं आएगा तो इतने से भी काम चला सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश बरसीम, ये किसकी वराइटी हो जाएगी, बरसीम की। अगला क्वेश्चन है डिजायर्ड सीड रेट फॉर ओट, ओट का जो डिजायर्ड सीड रेट है वो कितना है। जनरली इसका 80 से 100 केजी होता है, क्योंकि यहाँ पर रेंज नहीं दी गई है इसलिए 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड द बल्क डेंसिटी, वेरी बिटवीन। अब इसमें आपको अगर पता हो कि अगर पार्टिकल डेंसिटी जो होती है सॉइल की वो होती है नियरली 2.6 के अराउंड। ठीक है, 2.6 के अराउंड, और जो बल्क डेंसिटी होती है सॉइल की वो होती है नियरली 1.3 to 1.6। ठीक है, अब आप ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें जो डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है ठीक है, उसमें ये दोनों की दोनों रेंज आ जाती है। इसका एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एन एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल डोमिनेटेड बाय पोटेशियम आयरन मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो अगर हम मिनरलों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिमोनाइट है वो आयरन में रिच है,
जो फैट्स बार है वो कैल्शियम और पोटेशियम में रिच है, जो क्वार्ट्ज है वो सिलिका में रिच है। माइका की अगर बात करते हैं तो माइका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और सल्फर फास्फोरस में रिच होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड रो रेशियो ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज 9:1। ठीक है, एक्यूरेट आंसर इज 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सिलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सिलेक्टिव इन नेचर। ग्लाइफोसेट नॉन सिलेक्टिव है, ये भी नॉन सिलेक्टिव है, ये भी नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, एट्राजिन जो कि जनरली हम मेज और शुगर केन में यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इज कंसिडर्ड एज द प्रीमियम ऑयल कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अदर वेजिटेबल ऑयल बिकॉज बिकॉज ऑप्शन देखिए, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ लिनोलेनिक एसिड, नहीं, लिनोलेनिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा है डल कलर, नहीं। तीसरा है लो स्मोक पॉइंट, नहीं। आंसर इज हाई पंजेंसी। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी होती है, इसमें पंजेंसी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। बहुत इजी है, दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो, आंख बंद करके 18 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पाइरुवेट, इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पाइरुवेट। क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैश्यू नट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर इज आंध्र प्रदेश। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक, क्वेश्चन नंबर 19, द साइंटिफिक नेम ऑफ अम्बेलिका ऑफिसनेरिस रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑनले। ऑनले का साइंटिफिक नेम है अम्बेलिका ऑफिसनेरिस, सबको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ आंवला। ठीक है, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ आंवला, सॉरी सॉरी आंवला नहीं, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ लुकाट, लुकाट की पॉपुलर वैरायटी है। ठीक है, करेक्ट कर लेना, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ लुकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाल्मिंग इन पोटैटो इज डन, डिहाल्मिंग ऑफ पोटैटो इज डन। आंसर है इसके, ऑप्शन है क्वालिटी सीड ट्यूबर प्रोडक्शन के लिए, दूसरा है हायर प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, तीसरा है हाई यील्ड के लिए, चौथा है हायर स्टार्च कंटेंट के लिए। क्यों करते हैं उसको डिहाल्मिंग, ताकि वो वायरस से फ्री हो सके। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है इसका, क्वालिटी सीड ट्यूबर। लिंकॉन इज अ वराइटी ऑफ पी, लिंकॉन इज अ वराइटी ऑफ पी, क्वेश्चन आंसर क्या है डी। ठीक है, लिंकॉन इज अ वराइटी ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पालम समृद्धि इज अ हाई यील्डिंग वराइटी ऑफ, तो इसका आंसर क्या है ब्रोकली, ब्रोकली की ये जो है हाई यील्डिंग वराइटी है। संतरा रोजा इज अ वराइटी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, पाम की है। ठीक है, पुलम, ठीक है, पुलम की वैरायटी है ये, संता रोजा है। एलिसन, अगला क्वेश्चन अगेन, ये भी बहुत इजी है, एलिसन इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ कीवी। एलिसन, हावर्ड है ना, ब्रूनो, ये सब किसकी वैरायटी है, कीवी की वैरायटी है। ऑनलाइन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, ये भी तो बता, ये भी बताना पड़ेगा, तब तो समझो कि क्या ही होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, येलो वेन मोजाइक डिजीज, ठीक है,
येलो वेल मोजाइक डिजीज किसमें होती है? ओकरा में। ठीक है, बहुत इजी। अगेन नेक्स्ट इज 28, विनियर ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन इन मैंगो, आंसर सी। ठीक है, मैंगो में होती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ ऑर्चार्ड प्लांटिंग वेयर 50% मोर, जहां 50% देखा वहां लगाओ हेक्सागोनल तुरंत। क्वेश्चन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, अरेबिया एंड रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिया एंड रोबस्टा आर द टाइप ऑफ विच क्रॉप? कॉफी। कॉफी के दो टाइप हैं ये। ठीक है, अरेबिया एंड रोबस्टा। अन्ना इज अ लो चिलिंग वैरायटी ऑफ एप्पल, आजकल बहुत पॉपुलर है। ठीक है, प्लेन में लगा सकते हैं अन्ना को, इसलिए क्या हुआ है, एप्पल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, थॉमसन सीडलेस अगेन ग्रैप, आगे जाएंगे ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय? सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड थ्रू सीडलिंग, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड थ्रू सीडलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। यंग कोकोआ फ्रूट इज कॉल्ड चार्ली, यंग कोकोआ फ्रूट इज कॉल्ड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर टू इंड्यूस फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। अगेन बहुत इजी है। इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इन विच वेजिटेबल क्रॉप द हार्वेस्ट पार्ट इज कॉल्ड कर्ड? अगेन बहुत सिंपल है, कॉलीफ्लावर है ना। नेक्स्ट, बोटेनिकली मैंगो इज अ ड्रूप, बोटेनिकली मैंगो इज अ ड्रूप। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, अगेन बहुत इजी है, गुड़गांव हरियाणा में एनएचपी का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट एरिया ऑफ कॉफी, द हाईएस्ट एरिया ऑफ कॉफी कल्टीवेशन कम्स अंडर विच स्टेट? कर्नाटका। ठीक है, बहुत इजी है, कर्नाटका में हाईएस्ट एरिया है। नेक्स्ट इज द लाइन टू लाइन डिस्टेंस ऑफ जैक फ्रूट प्लांटिंग इज कितनी होती है? 6/6 की होती है जैक फ्रूट में प्लांटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ खरीफ ऑनियन फॉर द प्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड? खरीफ ऑनियन में कितना सीड रेट लगता है? 12 to 15 kg, 12 to 15 kg। इजी है। फिर अगेन, अमरपाली इज अ वैरायटी ऑफ, अमरपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस बिटवीन दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, दशहरी इंटू नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ चिली टू रेज द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड? ठीक है, कितना होता है इसका? जनरली 1 से 1.5 kg होता है, तो 1 kg पे लगा देंगे निशान। अगला क्वेश्चन है, अंडर नेम ऑफ एग प्लांट इज ब्रिंजल, बहुत कॉमन है, इजी है। विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, अगला क्वेश्चन, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होती है? मोलिब्डेनम से होती है, सबको पता है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन 47, चौबटिया अनुपम, चौबटिया अनुपम इज अ हाइब्रिड ऑफ एप्पल इज अ क्रॉस बिटवीन अर्ली सनबर्न एंड रेड डेलिशियस, इज अ क्रॉस बिटवीन अर्ली सन बेरी एंड रेड डेलिशियस, आंसर हो जाएगा बी, चौबटिया अनुपमा, अनुपम का वराइट जो क्रॉस है, वैरायटी है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। डहेलिया एंड डे लिली, लिली और डहेलिया दोनों ही, दोनों क्या होती हैं? बल्बस क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर कट फ्लावर प्रोडक्शन इन द कंट्री? ठीक है, ऑप्शन देखो, रोज और ग्लेडुलाई, हाँ दोनों कट फ्लावर हैं, ऑर्किड एंड ट्यूबरोज दोनों कट फ्लावर हैं, कार्नेशन एंड डहलिया दोनों कट फ्लावर है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव।
अबव। 49 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इक्सोरा कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आता है? सर्व। आपने इसका फ्लावर देखा होगा तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू मेक अ रिजुनेटिंग प्रूनिंग, तो इसका आंसर क्या है? रिजुनेटिंग प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं? कट लगाते हैं जो, ठीक है, प्लांट में, उसको किस डिस्टेंस पे लगाया जाता है? 1/4, और आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1/4 ऑफ एग्जिस्टिंग बड और शूट, 1/4। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका। आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो। तोतापरी जो है वो आपका, उसका जो पल्प है प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो तोतापरी इज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, बट मल्लिका इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रूट हैविंग पेक्टिन इज कॉल्ड जेली, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है जेली, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसी खाई भी होगी जेली तो भी बता दोगे, है ना। एजेडिरक्टा इंडिका इज बोटेनिकल नेम ऑफ, नेम बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज इंडियन ओरिजिन, दैट इज जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट इज इंडियन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ एंडोस्पर्म ऑफ इट्स एंडोस्पर्म एज इट ईडेबल पार्ट, आंसर इज कोकोनट, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 57, आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, पपेन इन पपाया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पपेन को? इमैच्योर फ्रूट से, आंसर क्या हो जाएगा? डी, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज 59, द रेशियो ऑफ रिटेंशन ऑफ फीमेल टू मेल प्लांट इन पपाया प्लांटेशन शुड बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 9:1, ठीक है, बहुत ही इजी पेपर है, सबको जो है कम से कम जो है 180 क्वेश्चन तो करके आना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप विच वन इज डे न्यूट्रल, टोमेटो इज डे न्यूट्रल, टोमेटो इज डे न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल, क्वेश्चन नंबर 60 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड एंड मैच्योर्ड ओवरी ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड भी हो जाए और मैच्योर ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज मेसोकार्प, एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज मेसोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ सोलर सेल दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक पावर, उसको क्या बोलते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पहला ऑप्शन है इसमें प्रिपरेशन ऑफ डेटाबेस, यस, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यस, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस, आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, फॉर डायरेक्ट ड्रिलिंग ऑफ सीड इनटू हैवी स्टेबल अनेबलिंग द स्टेबल्स टू बी रिटेन ऑन द सरफेस इज परफॉर्म्ड बाय, मतलब यह है कि अगर आपके खेत में हैवी स्टबल हैं और आपको सीडिंग करनी है तो किससे करोगे? आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी सीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्प्रे पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिपल एक्शन नोजल,
ट्रिपल एक्शन नोजल, जेट यस, सॉलिड कॉन यस, होलो कॉन यस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबो। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज यूज्ड टू अप्लाई केमिकल इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, पाउडर फॉर्म अगर हम किसी भी चीज का करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डस्ट करना बोलते हैं। तो किससे हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डस्टर। नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इन्फॉर्मेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1955। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच टाइप ऑफ इंजन ऑपरेट इन वन डायरेक्शन। विच टाइप ऑफ इंजन ऑपरेट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, दैट इज फोर स्ट्रोक इंजन ऑपरेट इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन जापान। ठीक है, सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द कंट्री? 1972। ठीक है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्म इरिगेशन प्रैक्टिसेस द कॉमनली यूज्ड डिवाइस फॉर मेजरिंग वाटर इज? ओरिफाइस यस, वेयर्स यस, पार्शियल फ्लूम यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर यूज्ड इन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन? चेक डैम यस, ड्रॉप स्पिलवे यस, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे यस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ पेरिसेबल आइटम्स आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ इन द कंट्री? ठीक है, कितना लॉस हो जाता है पेरिसेबल कमोडिटी आफ्टर हार्वेस्ट? आंसर इज 30। ठीक है, आंसर इज 30, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, What quantity of solar energy radiation in kilowatt per hour per year is received in India? ठीक है, answer is 5000 trillion। ठीक है, 5000 trillion, 5000 trillion जो है ये इतनी energy receive होता है। Campaign refers to focus attention of people on a particular problem। इसका answer A ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्पोरेट फार्मिंग? आंसर इज बी, दैट इज फार्मिंग इज कंप्लीटली मैनेज बाय ऑपरेटिंग बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा बिन इज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर स्टोरिंग। ठीक है, तो पूषा जो बिन है वो ग्रेन्स के स्टोर के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वीट ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भी बताना पड़ेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, What is seepage? That is the horizontal flow of water. बहुत इजी है, सबको पता है। Next is, in computing cost of crop cultivation, land cost refers to rent of land taken on lease. इसका आंसर क्या हो जाएगा? B. ठीक है, जब हम cost cultivation की cost निकालते हैं, अगर हमारी खुद की land है तो हम उसका पैसा नहीं जोड़ते, लेकिन अगर हमने किसी से land खरीदी है या ली है, rent पे ली है, ठीक है, खरीदी नहीं, rent पे ली है, तो उस को भी तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना जिससे हमने ली है, तो उसको भी हम टोटल कॉस्ट में जोड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83, दैट इज फ्रॉग इज अ पार्ट ऑफ विच एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट? आंसर इज मोल्ड बोर्ड प्लो। ठीक है, देखा है मोल्ड बोर्ड प्लो, फ्रॉग भी देखा होगा। नेक्स्ट इज 84, इन स्प्रे पंप स्विरल प्लेट is a part of nozzle. ठीक है, स्विरल इज अ पार्ट ऑफ नोजल। नेक्स्ट इज फॉर डीप प्लोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लो इज
डीप फ्लो करना है आपको, तो कौन सा फ्लो यूज करेंगे, दैट इज सीजल फ्लो, सीजल फ्लो को यूज करेंगे 85, ठीक है, ए 85 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज चेन टाइप ट्रैक्टर इज कॉल्ड एच, ठीक है, चेन टाइप ट्रैक्टर को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉलर ट्रैक्टर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 87 का। 88 टिल्ट एंगल ऑफ ए डिस्क फ्लो, टिल्ट एंगल ऑफ ए डिस्क फ्लो वरीज फ्रॉम 15 से 20, 15 to 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, ट्राइसेम है ना, तो ट्राइसेम का आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगर 1979, ठीक है, 15 अगर 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लच ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर इंजन टू गियर बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन 2016, ठीक है, 2016 में ये योजना चालू हुई थी। नेक्स्ट द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश, ये नहीं बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन नंबर 93, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर द ईयर 23 एज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो 2023 था उसको डिक्लेयर किया है किस ईयर के रूप में, ये आपको बताना है, ठीक है, बहुत इजी है ये, ठीक है, हम सब अभी जो है मिलेट 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 चला रहे हैं, इसको मिलेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक टू एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहला है क्लास अटेंडेंस, दूसरा है इट इज फ्लेक्सिबल, तीसरा है लर्निंग स्टडी प्रॉब्लम, टीचिंग हैज अ हेटरोजेनियस ऑडियंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटेंडेंस नहीं लेते हम उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, कॉस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन पीरियड इन परचेज ऑफ सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ईटीसी आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सीड बेड प्रिपरेशन एंड कंडीशनिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, दोनों में कौन सा यूज होगा, इसका आंसर हो जाएगा रोटावेटर, रोटावेटर जो है वो क्या करता है, सीड बेड भी बनाएगा और सॉइल को मिक्स भी करेगा, ठीक है। 97 क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट सिस्टम टू हेल्प फार्मर बाय गिविंग करेक्ट एंड टाइमली एडवाइस प्रिपेयर्ड बाय द सेंटर फॉर इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एंड एडवांसमेंट केरला, सो इसका आंसर क्या है, एग्रेक्स, ठीक है, एजी रेक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजी रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, थ्री टायर सिस्टम बलवंत मेहता कमेटी, थ्री टायर सिस्टम और पंचायत राज किसने इंट्रोड्यूस की थी, बलवंत मेहता कमेटी, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आर कंडक्टेड बाय फार्मर नहीं, रिसर्चर नहीं, एग्रीकल्चर ऑफिसर और टीचर, ये दोनों रिसर्चर भी कराता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर भी कराता है, बट यहाँ पर देखो अब आयोग क्या देता है, मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर ऑफिसर इसका राइट आंसर होना चाहिए, आंसर इसका सी होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च वाला रिसर्च करके कोई वैरायटी या डेमोन्स्ट्रेशन या कोई टेक्निक निकालेगा, उसको जो है ये जो एक्सटेंशन बॉडी है एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये उसको गांव में थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन उसको इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है, आईआरडीपी का,
नॉलेज तो देना ही है, लेकिन मेन जो है वो क्या है, किसानों को छोटा लोन देना है ताकि वो जो है अपनी जीविका उपार्जन को बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101, बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड इन एन इलिटरेसी डोमिनेटेड विलेज अवे फ्रॉम द सिटीज इज सोइंग सीड। ठीक है, उनको तुम अगर लिटरेचर पढ़ दोगे तो नहीं समझ पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग को समझ नहीं आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी तो उनको समझ नहीं आएगा, तो पिक्चर दिखाओ उनको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कोऑपरेटिव एडवांटेज। द लॉ ऑफ कोऑपरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन, इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन, कोऑपरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रोडक्शन राशन फॉर एनिमल्स इंक्लूड राशन फॉर, देखो दो टाइप का राशन होता है, एक मेंटेनेंस राशन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्शन राशन। तो अब हमें देखना है कि हमें उनसे प्रोड्यूस क्या करना है। ठीक है, सपोज हमें मिल्क प्रोड्यूस करना है तो उस समय पे जो हम राशन देंगे वो 15% ज्यादा, 10 से 15% ज्यादा देंगे कंपेयर टू द मेंटेनेंस राशन। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये सारे के सारे प्रोडक्शन राशन में आएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ए ड्राई मैटर ऑफ ए फीड फॉर ए कैटल हैविंग बॉडी वेट 500 kg। ठीक है, इसको समझो कि जो बॉडी वेट होता है उसका हमें अगर ड्राई मैटर निकालना है कितना देना है, तो बॉडी वेट का 2.5 से 3% हम जो है देंगे, तो इसका 2.5 से 3% अगर आप निकालोगे तो 2.5% निकालोगे तो वो बैठेगा 12.5 kg। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 104 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 105 का देखो, इफ द नंबर ऑफ कैटल इज लेस देन, ठीक है, तो सिंगल रो तब रखेंगे जब थोड़ा ज्यादा हो, 20 के आसपास हो। ठीक है, डबल रो तब रखेंगे जब 20 से ज्यादा हो, और जब 10 से कम है तो रखेंगे कितना, लूज हाउसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106, अ डिजीज ऑफ अर्डर इन काउ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इंफेक्शन इज, रानीखेत तो पोल्ट्री के डिजीज है, FMD जो है फूथ एंड माउथ डिजीज जो है वो वायरस से फैलती है। ठीक है, ब्लॉड जो है वो गैस बन जाता है गाय के पेट में, मैस्टाइटिस जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, जो बैक्टीरियल इंट्रा मेमरी इंफेक्शन, ठीक है, IMI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, क्वेश्चन नंबर 107 है, टू प्रोटेक्ट पोल्ट्री बर्ड फ्रॉम रानीखेत डिजीज वैक्सीनेशन शुड बी डन एट, इसका आंसर है बी। ठीक है, 107 days में 108 weeks एंड 16 to 18 weeks ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स कॉज्ड बाय अ वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से दो तरीके से फैलता है, ये तो जेनेटिकली फैलेगा, दूसरा क्या फैलेगा, हॉरिजॉन्टली, वो कैसे फैलेगा, थ्रू कॉन्टेक्ट। तो हालांकि जो इसका वायरस है वो बहुत ज्यादा समय तक जो है एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं करता है, फिर भी इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो फैल सकता है, थ्रू वाटर भी फैल सकता है, थ्रू इंसेक्ट बाइट फैल सकता है, थ्रू फील फैल सकता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन विद एम ऑफ टू प्रिजर्व मिल्क, यस, ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म फैट इमल्शन, यस, रिडक्शन ऑफ फैट सेपरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यस, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी, आंसर हो जाएगा इसका बोथ बी एंड सी ऑफ अबो, प्रिजर्वेशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन विद एम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क नहीं, ऑप्टेनिंग यूनिफॉर्म इमल्सन, ठीक है, दूसरा रिडक्शन ऑफ फैट ड्यूरिंग रिडक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हैंड। तो एपिडर्मिस जो है वो टेस्टिकल्स को पार्ट होता है, ओवरी तो पता ही है आपको, ओविडक भी पता ही है आपको, बेंट एंड क्लोका, ठीक है। इवेंट एंड क्लोका क्या है, पोल्ट्री में जो है एग लेइंग के लिए और फिकल मैटर को डिस्चार्ज करने के लिए दोनों के लिए एक ही रूट होता है, और कॉपुलेशन के लिए भी वही रूट होता है। तो ये जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव पोल्ट्री बर्ड्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अनप्रोडक्टिव बर्ड्स को जो प्रोडक्टिव है उनसे हटाने को क्या बोलते हैं, कलिंग कहते हैं, ठीक है, ये भी इजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंप्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ रफेज। एक्चुअली में रफेज की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्मफुल है, तो इसलिए क्या करते हैं हम यूरिया देते हैं, और ये यूरिया कन्वर्ट हो जाता है बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैंडरेस इज अ ब्रीड ऑफ पिग, ठीक है। नेक्स्ट, पर कैपिटा रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंट्री इज 1 to 280, ठीक है। पर कैपिटा रिकमेंडेड जो है वो कितना है, 280 है। हालांकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो 400 के आसपास है, बट ठीक है, बट 280 इज रिकमेंडेड इन इंडिया एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बद्री इज अ ब्रीड ऑफ कैटल फाउंड मोस्टली इन उत्तराखंड, ठीक है। मैसाना इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, बफेलो, बताइए आपको। वन हैन कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी एग्स इन अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट कंडीशन, प्रॉपर मैनेजमेंट कंडीशन भी आप अगर दोगे तो वो 150 से 200 ही अंडे देगी, ठीक है, 360 में 360 नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एवरेज वेट ऑफ गूज एग, ठीक है। गूज एग का एवरेज वेट होता है, वो होता है 150 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेजी चिक डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज बाय विटामिन ई, क्रेजी चिक डिजीज किससे होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVRI कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीन इज विच प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, कैसीन इज मिल्क प्रोटीन, आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाउ मच फैट इज प्रेजेंट इन घी, घी में कितना फैट होता है, सारा ही तो फैट है ना, तो नियरली 100% है ना, नियरली 100% फैट ही है सारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर स्टोरिंग सीमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, सीमन को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज, मिल्क फीवर इज अ डिजीज ऑफ कैटल विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मिल्क डिजीज जो है वो किससे होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द हीट पीरियड ऑफ बफेलो, बफेलो का हीट पीरियड क्या होता है, तो इसका आंसर है 18 से 24, है ना, 8 से 24 है वैसे तो लेकिन इसके हिसाब से जो हमें ऑप्शन दिए इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 18 से 30 आवर, ठीक है। फूड एंड माउथ डिजीज इज अ वायरस डिजीज, फूड एंड माउथ डिजीज क्या है, वो वायरल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ गोट इज सुटेबल फॉर कीपिंग इन सिटी, जमुनापारी, ठीक है, जमुनापारी क्यों, हाई मिल्क प्रोडक्शन है इसका, दूसरा मीट के लिए भी पर्पज है, ड्यूअल पर्पज ब्रीड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेरी नेरमा का, बीकानेरी नेरमा इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, सीप, ठीक है, पश्मीना के लिए फेमस है ये, बहुत बड़ी अवर है, ब्रीड है ये सीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा कोचिन एंड लेगहॉर्न आर ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, ठीक है,
ब्रह्मा पोल्ट्री की ब्रीड है, एक भी पता होगी तो बाकी सब काम चल जाएगा। विच ब्रीड ऑफ सीप इज एक्सटेंसिवली रेयर्ड उत्तराखंड? गद्दी। गद्दी हो गई आपकी, और रामपुरी हो गई, मुजफ्फरनगरी हो गई, और तो ये सारी ब्रीड जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो एक्सटेंसिवली ये गद्दी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। रोल ऑफ द कैल्शियम इन बॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ बिंग, मिल्क एंड टीथ, सबको पता है इसमें क्या, तुम क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ है ये, मिल्क इज डेफिसिट, ये वो हो गया शायद, नहीं ये नहीं हुआ, ये हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल इन नेचर, है ना, पेरिनियल मतलब जो हमेशा चलते रहे, तो कौन सा है? बाजरा तो नहीं चलेगा, कॉफी भी नहीं चलेगा, सॉर्गम भी चलेगा, नेपियर ग्रास चलेगी। ठीक है, घासेस जितनी होती हैं उनमें भी जो बॉर्डर वाली होती है वो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ना मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन, सबको पता है। फर्स्ट एआई बफेलो काफ वाज बॉर्न एट इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में पहला काफ बॉर्न हुआ था, एआई काफ, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन एनिमल राशन मस्ट बी ग्रेटर देन 15, ठीक है, मस्ट बी अराउंड 15, ठीक है, 15% तक जो है उसमें मांस में प्रोटीन होना चाहिए। ग्रास ऑफ पर स्टेट बीइंग इंसेक्ट बिलोंग टू विच इंसेक्ट ऑर्डर? ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा को बिलोंग करता है ग्रास ऑफ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर कोकल डिजीज ऑफ फीट इज कॉज बाय नेमेटोड, ठीक है, ईयर कोकल किससे होती है? नेमेटोड से होती है। नेक्स्ट इज प्लॉइडी, प्लॉइडी ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा से होती है ना ये प्लॉइडी डिजीज, इसमें होती है तिल में होती है, सिसेन में होती है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोका बोइंग, ठीक है, पोका बोइंग डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, तो फ्यूजेरियम मोरिलिफॉर्मी, फ्यूजेरियम की अदर स्पीसीज भी हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फ्यूजेरियम ऑनली फॉर मी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरूवेट अकर थ्रू विच प्रोसेस, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किससे होता है? थ्रू ग्लाइकोलिसिस, थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन हैव द कैपेसिटी टू इनहिबिट ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय द अदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटीबायोटिक, ठीक है, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली यूज्ड? एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन है अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज ऑब्लिगेट पैथोजन, ठीक है, इसको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्लिगेट पैथोजन। नेस्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ द पेस्टिसाइड दैट किल 50% पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट इज नोन एज LD50, LD मतलब लिथल डोज 50, ठीक है, वो डोज होती है जिसमें 50% पॉपुलेशन किल हो जाए उसको बोलते हैं LD50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पल्स बीटल जो है वो पल्स के बाहर एग ले करते हैं, और जैसे ही जो है उनके निम्फ जो है हैच करते हैं, वो पल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, द होल पल्स ग्रे। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट डज ऑफ HANPV इन LE पर हेक्टेयर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेलिकोबार पान मेलेजिया इन चिकपी। तो पहले तो ये समझ लीजिए क्या चीजें हैं, है ना। एच ए मतलब हेलिको वर्पा आर्मी जेरा। एच ए मतलब ये जो एच ए है इसका मतलब क्या है, हेलिको वर्पा आर्मी जेरा। और ये एनपीवी क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरस। ठीक है, तो ये क्या है, एक वायरस है। ये क्या है, लीथल एक्सट्रैक्ट। इस वायरस का एक्सट्रैक्ट बनाओ और कितना डालो, 200, कि वो क्या हो जाए, हेलिकोवर्पा को 1 हेक्टेयर में कंट्रोल कर ले। तो कितना, 250 ml। ठीक है, 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। द जीन फॉर जीन। क्वेश्चन नंबर 150 है ना, क्वेश्चन नंबर 150। द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्लोर। फ्लोर ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी। क्वेश्चन नंबर 52, विच इंसेक्ट हैव द रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। थ्रिप्स। थ्रिप्स हैव रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ठीक है, द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज मैक्सिको। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज मैक्सिको। द कॉज ऑफ लिटिल लीफ ऑफ प्रिंजर इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, विच द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पाइल्वा। ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोग्रामा नहीं है ना, ट्राइकोग्रामा तो इंसेक्ट है, ट्राइकोडर्मा ये फंगस है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। 155 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, अ सडन हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 157, जीएमओ इन एग्रीकल्चर मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। वीट इज मेनली अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। वीट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, और इसके स्टिग्मा कैसे होते हैं, फेदरी होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ही पूछता है, वीट के किसके स्टिग्मा फेदरी होते हैं, तो उसका आंसर वीट होता है। इन प्लांट्स मेल स्टेरिलिटी इज ड्यू टू, मेल स्टेरिलिटी क्यों होती है प्लांट्स में, ड्यू टू नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो किससे होगी, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों के दोनों मेंडल ले लिए हैं। पूरा नाम है ग्रेगर जोन मेंडल, एक एन और आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपीटिंग रिपीटिंग स्पोर इन वीट स्टेम इज। क्वेश्चन नंबर 161, रिपीटिंग स्पोर इन वीट स्टेम इज कॉल्ड यूरेडो स्पोर। क्वेश्चन नंबर 161, आंसर इज डी, यूरेडो स्पोर। क्वेश्चन नंबर 162, द कॉन्सेप्ट ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल ऑफ रेजिस्टेंस वाज गिवन बाय। बूम एंड बस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया प्रिस्टले ने 1970 में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बूम एंड बस्ट गिवन बाय प्रिस्टले इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164, द बोटेनिकल नेम ऑफ तारामीरा। तारामीरा इरुका सटाइवा। बोटेनिकल नेम क्या है, इरुका सटाइवा, किसका, तारामीरा का, पता ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट। ठीक है, इक्री सेट ये कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट इज
जंपिंग जीन इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय बारबरा एंड मैकक्लिंटॉन, ठीक है, बारबरा एंड मैकक्लिंटॉन, ठीक है, जंपिंग जीन इन मेज डिस्कवर्ड बाय बारबरा एंड मैकक्लिंटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वॉज प्रपोज बाय द बीडल एंड टेट ऑफ वर्किंग विद द पिंक ब्रेड मोल्ड टू एक्सप्लेन द जीन एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है, 167। क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ए इम्ब्रियो फ्रॉम एन एग सेल और सेल एसोसिएटेड विद और विदाउट मियोसिस बट विद विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पता है सबको, ये तो इजी है, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, बाजरा 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 इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, अच्छा, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड के थ्रू होता है। हाइब्रिड्स वर फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड कॉमर्शियली इन विच क्रॉप, मेज मेज, ठीक है, गंगा गंगा वन, गंगा वन और गंगा 101, रंजीत, ठीक है, इनके द्वारा ये पहली वैरायटीज थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेज ऑफ माइटोसिस आर फाउंड इन सेल डिवीजन, कितने स्टेजेस होती हैं, फोर होती हैं, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग राइस एंड व्हीट वैरायटीज वर डेवलप्ड थ्रू द म्यूटेशन, जगन्नाथ इज ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस, अगर इतना पता होगा तो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजेटो बैक्टीरिया इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173, कहाँ चले जा रहे हैं ये, क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन, हो गया है ना। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूम क्रॉप इज यूज एज एन ऑयल सीड क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो लेग्यूम भी है और ऑयल सीड भी है, कौन सी है, तो सोयाबीन है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज यूजफुल इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट, पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है कि जो स्टोमेटा होते हैं उनको क्लोज और ओपन करता है, दूसरा ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरसेलुलर ऑपरेशन अंडर एसआरआई, एसआरआई में इंटरकल्चरल ऑपरेशन जब करते हैं तो किससे करते हैं, क्वेश्चन ये है, तो हमें पता है एसआरआई में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ को निकालने के लिए फोनो वेडर। नेक्स्ट, when the fertilizer is placed in band on one side or other side 50 meter away from the seed of the plant in any direction is called band placement, theek hai, answer ho jayega c। next is, the food corporation of india was established in the year, food corporation of india was established in the year 1964, theek hai, for फोर, ये ऑप्शन गलत है एक्चुअल में, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है 14th of January 1965। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट बना 1964 में, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बना वो 1965 में बना, ठीक है, तो हो सकता हो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लांट लीव्स टर्न इनटू पर्पलिश ब्राउन, ठीक है, तो फास्फोरस में कलरेशन आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी, ठीक है, बोरोन में तो वो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं बड जो है वो मुरझा जाती है और पोलन जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, नाइट्रोजन में येलोइंग होने लगती है, टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो लीव्स है उनका कलर बहुत डार्क ग्रीन हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, आयरन, आयरन क्या होगा वो
अगर आपने राइस के प्लांट देखे हो तो उसमें आयरन की टॉक्सिसिटी साफ दिखती है, जिसमें जो है हल्का सा वो पर्पलिश ब्राउन कलर का होने लगता है। आंसर क्या है? 179 का आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ 16 अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड है और आंसर क्या है? सल्फर। 16 एंड 16 दोनों के लिए क्या है? सल्फर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 181, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सी फोर प्लांट। ये सी थ्री, ये सी थ्री, ये सी थ्री, ये बच गया सी फोर। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज इन्फोर्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है वो कब हुआ था? 1957। ठीक है, 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, उसके बाद पहली बार जो है फर्टिलाइजर की बात की गई थी उसमें 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसके बाद ये कंट्रोल ऑर्डर बना। ठीक है, 1957 में इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खैरा डिजीज ऑफ राइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, ये तो सबको पता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वरीज डायरेक्टली विद टोटल पोरोसिटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, थ्रू कैपिलरी पोर, वो डायरेक्टली वरीज करेगी फ्रॉम फ्रॉम हाइट का भी इसमें फिर रोल है ना। हाइट जो है, जो हाइट जिसकी ज्यादा होगी वहां से वो कहाँ आएगा? जहां को उसकी कम हाइट होगी। ठीक है, तो दिस इज कैपिलरी मूवमेंट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी हो गया, टोटल पोरोसिटी इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉइल विद हाई पीएच वैल्यू आर जनरली डेफिशिएंट इन, सब पहली बात समझ लो कि अगर सॉइल की पीएच ज्यादा होती है तो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे एक्सेप्ट मोलिब्डेनम। ठीक है, और अगर जो है बहुत ज्यादा लो हो जाएगी तो जितने जी हमारे मेजर एलिमेंट हैं एनपीके, ये अनेवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए बीच की रेंज जिसको हम न्यूट्रल रेंज कहते हैं, इसमें दोनों के दोनों लगभग लगभग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हाई अगर हम कह रहे हैं हाई पीएच है तो मोलिब्डेनम तो मिलेगा। ठीक है, हटा दो फिर बोरोन और आयरन, बोरोन भी कुछ हद तक मिल जाता है। ठीक है, कैल्शियम तो बहुत मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। इसमें जो आंसर है, अगर पीएच ज्यादा हो जाएगी तो जिंक और एमएन नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इज द कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड टू ब्रेक द डोरमेंसी इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? सीड को हम रब करते हैं, ठीक है, जैसे हम पपाया में करते हैं। क्रायोफिकेशन मतलब कुछ ऐसे सीड्स हो जिनको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए उनको जर्मिनेट करने के लिए, तो क्रायोफिकेशन हो जाए। नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ए, स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 187, इन एसिड सॉइल। ठीक है, एसिड सॉइल आर द एमोडेटेड बाय, किससे करेंगे बताओ? लाइम से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बार्ले इज अ क्रॉप सुटेबल फॉर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ टेम्परेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराक्वाट। पैराक्वाट इज ए बीडी साइड, पहले भी आया था। ठीक है, वहीं से हो गया ये तो एक क्वेश्चन। तो सनहैम्प इज ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। ठीक है, सनहैम्प इज अ ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अगर डेफिनेट रो पैटर्न हो जाता तो इंटरक्रॉपिंग हो जाता है, विदाउट और क्या है, विदाउट डेफिनेट पैटर्न तो क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ये हो गया कल्टीवेशन ऑफ शुगर विच कंटेन एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, शुगर विच कंटेन एल्डोज और कीटोज ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग। रेड कलर ऑफ सॉइल आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट। ठीक
रेड कलर किससे होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइड। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन टू रेड कलर हो गया। हाँ, द बोटनिकल नेम ऑफ चिकपी इज साइसर एरिटिनम चिकपी। नेक्स्ट, इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक क्लाइमेट जोन? 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उसको बांटा गया है। नेक्स्ट, द आइडियल रो टू रो स्पेसिंग ऑफ रेन फेड मस्टर्ड क्रॉप। तो जो नॉर्मल मस्टर्ड क्रॉप की स्पेसिंग होती है वो होती है आपकी 30 से 40 इंटू 10, क्योंकि ये रेन फेड है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 60 सेंटीमीटर अप्रोक्स 60 फुट इसकी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मेरी एक पुरानी वीडियो थी, अगर वो देखी होती तो कई क्वेश्चन जो है ऐसे हैं बिल्कुल उसी से हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें यही सब करेक्शन फैक्टर और जो है किससे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ये सब दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी इंटू पी टू ओ फाइव, पी इजिकल टू पी टू ओ फाइव इंटू 0.437। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल में। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 बडेड सेट्स प्लांटेड शुगर केन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना होता है? 30 से 35 होता है। ठीक है, 30 से 35 हजार। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हालांकि किसी किसी बुक में तुम्हें 35 to 40 भी मिलेगा, 35 to 40 भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो जो ऑथेंटिक आंसर है वो है 30 to 35। 40 to 45 मिलेगा बुक में, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो में है 30 to 35 विद ऑथेंटिक प्रूफ, है ना? प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे देंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत इजी है और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, सबने बहुत अच्छा किया है। थोड़ा पहला वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा कह लीजिए एक प्रॉब्लम कर सकता है। जो पहला पेपर था जिसमें उत्तराखंड पूछी गई थी और हिंदी पूछी गई थी, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पेपर ये जो दूसरा वाला आया है ये बहुत ही सही है और इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन जटिल नहीं समझ आता है कि बहुत ही कुछ हार्ड पूछा गया हो। लेकिन पेपर जिस हिसाब से बनाया गया है तो निश्चित रूप से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकती है। तो सबके लिए पहले तो ऑल द बेस्ट, सबका अच्छे से हो, सबका सिलेक्शन हो जाए उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।